हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनेस पिक्स चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुंडली भाग्य में के एक्टर धीरज धूपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। आप सबके चहेते एक्टर धीरज जो है उनका आज बर्थडे है। आज वो 37 इयर्स के हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, धीरज जो है वो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो काफ़ी वर्कोहॉलिक है। उनको काम करना, उनको एक्टिंग करना काफ़ी पसंद है, लेकिन इस बार उनका बर्थडे है और आज के दिन भी वो अपने काम से वो इतना प्यार करते हैं कि आज भी वो गए हैं चंडीगढ़, वो भी शूटिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा था। येस, इट इज़ अ वर्किंग बर्थडे फॉर मी। इट इज़ आफ्टर एजेस दैट आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई बर्थडे। आई एम ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ फॉर अ म्यूजिक वीडियो शूट एंड विल बी देयर फॉर 2 डेज। विल डेफिनेटली प्लान समथिंग विद माई फैमिली वंस आई एम बैक। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि धीरज ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि उनका जो ये बर्थडे होगा, उन बहुत सालों के बाद उनके बर्थडे में काम करने वाले हैं। वो हर एक चीज़ में काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, प्रोफेशनल काम हो या फैमिली को है, दोनों को इक्वल टाइम देते हैं, पूरा बैलेंस रहता है। और ये ही एक दूसरा एग्जांपल है कि वो उन्होंने अपने काम को चुना और आने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनकी जो केमिस्ट्री है श्रद्धा आर्या के साथ, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। उनको धीरज और श्रद्धा की जोड़ी लोगों को काफ़ी पसंद है। जैसे कि आप सभी को पता है कि धीरज का जो कुंडली भाग्य में जो रोल है उनका नाम है करण लुथरा। तो आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं धीरज को, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या विशेष देना चाहते हैं, वो आप ज़रूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।